नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने नंगे पैर नामक एक कहानी देख रहा था, आज इसका अंतिम भाग है। ठीक है, कहानी इस प्रकार है। बेबी एक ही पैर वाले लड़की है। पुस्तक पढ़ना और अपने घर में आने वालों से बातें करना आदि भी उनका सहारा था। हमने देखा कि नए पोस्टमैन बिना चप्पल से वहां आता है। यह देखकर बेबी ने निश्चय किया कि उसे नंगे पैर से नहीं चलने देगा, इसलिए हरीबा मोची द्वारा एक जोड़ी जूते बनाने का निश्चय किया। लेकिन मोची ने कहा कि इसके लिए जो मेजरमेंट देना है। आगे देखिए, दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर तक एक एक कर डाक देकर चला गया। डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आई और सीटियों से नीचे उतर गई। फिर फ्रॉक की जेब से परकार निकाल कर जाने वाले पोस्टमैन के पैरों के निशान का नाप जोख किया। पैरों की गोलाई आदि का ठीक ठीक माप माप लेकर वह फिर कमरे में आ गई। बच्चों, बेबी ने अपने मन से ही निश्चय किया कि ये पोस्टमैन को नंगे पैर से नहीं दूंगा, इसलिए उसने मोची से एक जोड़ी जूते बनाने का निर्देश भी दिया। लेकिन मोची ने कहा कि इसके लिए जो मेजरमेंट देना है, इसलिए बेबी ने क्या किया, देखिए। दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर तक एक एक कर डाक देकर चला गया। साधारण दिन की तरह पोस्टमैन आया और डाक बेबी को देकर चला गया। डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आई और सीटियों से नीचे उतर गई। बेबी ने जो कुर्सी पर डाक रख लिया और सीटियों से नीचे उतर गई। सीटी माने स्टेप। फिर फ्रॉक की जेब से परकार निकालकर जाने वाले पोस्टमैन के पैरों के निशान का नाप जोख किया। परकार माने टेप, पैरों के निशान फुटप्रिंट, नाप जोख मेजरिंग। बेबी ने अपनी फ्रॉक की जेब से जो टेप निकालकर पोस्टमैन के फुटप्रिंट का मेजरमेंट किया। पैरों की गोलाई आदि का ठीक ठीक माप माप लेकर वह फिर कमरे में आ गई। बेबी ने पोस्टमैन के पैरों के निशान का मेजरमेंट लेकर अपने कमरे में आ गई। ठीक है, हरीबा मोची को काम मिला। उसने हिसाब से जूते तैयार किए और बेबी को लाकर दे दिए। तब होली का त्योहार मनाया जा चुका था। दोपहर को पोस्टमैन कब आएगा इसकी प्रतीक्षा करती हुई बेबी बैठ गई। हरीबा मोची को काम मिला। हरीबा ने अपने काम किया। उसने हिसाब से जूते तैयार किए, जो मेजरमेंट के अनुसार जूते तैयार करके बेबी को दे दिए। तब होली का त्योहार मनाया जा चुका था। हम सबको मालूम है उत्तर भारत के एक प्रमुख त्योहार है होली। ये तो रंगों का त्योहार भी है। दोपहर को पोस्टमैन कब आएगा इसकी प्रतीक्षा करती हुई बेबी बैठ गई। जो होली मनाया जा चुका था और दोपहर को, दोपहर माने दोपहर आफ्टरनून, दोपहर को पोस्टमैन की प्रतीक्षा करती हुई बेबी बैठ गई। आगे क्या हुआ देखिए। दोपहर को पोस्टमैन आया और बेबी के आने की राह देखने लगा। धीरे धीरे बेबी आई और पुराने अखबार में लिपटा एक बंडल लेकर अहाते में खड़ी हो गई। देखिए, दोपहर को पोस्टमैन आया और बेबी के आने की राह देखने लगा। पोस्टमैन डाक बेबी को देने के लिए वहां खड़ा था। धीरे धीरे बेबी आई और पुराने अखबार में लिपटा, अखबार माने न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में लिपटा एक बंडल लेकर अहाते में खड़ी हो गई। हमेशा की तरह वह मुस्कराया और पत्रों का गठ्ठा उसने बेबी के हाथ में दे दिया। साधारण गति से पोस्टमैन ने मुस्कुराकर बेबी को पत्रों का एक बंडल दिया। बेबी ने ठोका, अजी तुमने होली का उपहार नहीं मांगा। पोस्टमैन ने कहा, मांगूंगा बहन जी, साहब से भेंट नहीं हो रही है।
यह सुनते सुनते बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया। अजरज से सक पकाकर उसने बंडल खोला। भीतर एक जोड़ी सुंदर जूते थे। पोस्टमैन मन ही मन कह उठा, इस बच्ची ने तो मुझे नंगे पैर को जूते दिए, उसके पैर नहीं है, वो मैं कैसे दे सकूंगा। बच्चों, पोस्टमैन ने पत्रों का गठा बेबी के हाथ में दे दिया। उस समय बेबी ने उससे पूछा, अरे तुमने होली का उपहार नहीं मांगा। पोस्टमैन ने कहा, मांगूंगा बहन जी, साहब से फेंड नहीं हो रही है। तब पोस्टमैन ने कहा कि साहब से नहीं फेंड की है। यह सुनते सुनते बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया। उस समय बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का एक बंडल दे दिया। अजरज से सक पकाकर उसने बंडल खोला। पोस्टमैन ने आश्चर्य से उस बंडल खोला। भीतर एक जोड़ी सुंदर जूते। उसने देखा कि उस बंडल के अंदर एक जोड़ी सुंदर जूते थे। पोस्टमैन मन ही मन कह उठा, इस बच्ची ने तो मुझे नंगे पैर को जूते दिए, उसके पैर नहीं है, वो मैं कैसे दे सकूंगा। देखिए, बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में एक जोड़ी जूते दे दिया। उस समय पोस्टमैन ने अपने मन ही मन यह सोच लिया कि मुझे जूते नहीं है, इसलिए बेबी ने मुझे जूते दिया, लेकिन उसको एक पैर ही नहीं है, वो मैं कैसे दे सकूंगा। आगे देखिए, काम खत्म करके वह सीधा पोस्ट ऑफिस गया। बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं भी बदली कर दीजिए। बच्चों, काम खत्म करके वह सीधा पोस्ट ऑफिस गया। पोस्टमैन ने अपने काम पूरा करके पोस्ट ऑफिस गया। बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए। उसने अपने ऑफिसर के सामने जाकर कहा कि मेरी रूट तो बदल दीजिए, सिटी में कहीं भी बदली कर दीजिए। बच्चों, क्या तुम्हें कह सकते हो कि ए पोस्टमैन ऐसा क्यों कहा? हाँ, पोस्टमैन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसको बेबी के उपहार के बदले कुछ नहीं दे सका। ठीक है बच्चों, यहाँ दो व्यक्तियों के जीवन के वैयक्तिक दुख है। स्वयं पंगुल होते हुए भी सहजीवी पर उस छोटी लड़की के मन में सहानुभूति है। वह उसके लिए जूते बनाकर देती है, इसलिए नंगे पैर नामक यह शीर्षक भी सार्थक है। टुडे वी सी द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी नंगे पैर, रिटन बाय श्री वेंकटेश माडगुलकर। व्हेन द पोस्टमैन केम ऑन द नेक्स्ट डे, baby took the measurement of his feet and gave it to the cobbler as she had decided. The very next day, cobbler came with a new pair of sandals. When the postman arrived the next day with a letter, baby gave a package to postman's hand as a gift for Holi. The postman was stunned when he opened it. She made the sandals because he did not have any sandals. But she doesn't have legs, so how can he give that to her? At that day, the postman told the officer that he needed to change the route. Okay? बच्चों, आज यहाँ नंगे पैर नामक कहानी समाप्त होती है। मैं सोचता हूँ कि सबको ये समझ गई है। धन्यवाद।